गरियाबंद से बड़ी खबर है, इक्षाराती गांव के लोगों ने वन कर्मियों के ऊपर किया हमला। गरियाबंद से बड़ी खबर आ रही है, इक्षाराती गांव के लोगों ने वन कर्मियों के ऊपर किया हमला। अतिक्रमणकारियों ने वन विभाग का वाहन पर किया तोड़फोड़, सावल से किया कई छेद। चार दिन पूर्व इक्षाराती गांव को अतिक्रमण से किया गया था खाली। वन कर्मियों के कपड़ों को फाड़ डाला और उन्हें बनाया बंधक। उप निर्देशक उदंती सीता नदी ट्राइगर को सूचना मिलने पर पहुंचे गांव। उनके वाहनों को भी किया गया तोड़फोड़, कांच फोड़, साबल से किया वार। वन अमला का दस्ता पहुंचने पर ग्रामीण भाग खड़े हुए। कुछ अतिक्रमणकारियों को किया गया कब्जे में। वन विभाग ने कार्रवाई प्रारंभ किया। उप निर्देशक वरुण जैन ने कहा, अब आठों रेंज के कोई भी अतिक्रमणकारियों के कब्जा छोड़ा नहीं जाएगा। वन कर्मियों पर हमला करने वालों को किसी भी शर्त पर बख्शा नहीं जाएगा। गरियाबंद से बड़ी खबर है, इक्षाराती गांव के लोगों ने वन कर्मियों के ऊपर किया हमला। गरियाबंद से बड़ी खबर आ रही है, इक्षाराती गांव के लोगों ने वन कर्मियों के ऊपर किया हमला। अतिक्रमणकारियों ने वन विभाग का वाहन पर किया तोड़फोड़, सावल से किया कई छेद। चार दिन पूर्व इक्षाराती गांव को अतिक्रमण से किया गया था खाली। वन कर्मियों के कपड़ों को फाड़ डाला और उन्हें बनाया बंधक। उप निर्देशक उदंती सीता नदी ट्राइगर को सूचना मिलने पर पहुंचे गांव। उनके वाहनों को भी किया गया तोड़फोड़, कांच फोड़, साबल से किया वार। वन अमला का दस्ता पहुंचने पर ग्रामीण भाग खड़े हुए। कुछ अतिक्रमणकारियों को किया गया कब्जे में। वन विभाग ने कार्रवाई प्रारंभ किया। उप निर्देशक वरुण जैन ने कहा, अब आठों रेंज के कोई भी अतिक्रमणकारियों के कब्जा छोड़ा नहीं जाएगा। वन कर्मियों पर हमला करने वालों को किसी भी शर्त पर बख्शा नहीं जाएगा।